वेलकम टू आवर चैनल। आज जो है बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच मैच होगा। ये मैच देखा जाएगा तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे होगा। इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है कि यहाँ जब भी मैच होता है बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। मैच से बहुत अच्छा बैटिंग सर्कस है इस पिच का, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में शुरू में जो है फास्ट बॉलर को थोड़ा सा मदद करता है और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है स्पिनर को मदद करने लगता है। मतलब यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत अच्छा टर्न देखने को मिलता है। T20 का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो यहाँ अभी 150 से नीचे 4 बार बने हैं और एवरेज स्कोर देखा जाए तो 171 रन है प्रत्येक मैच का। 171 रन है जो बैटिंग के लिए समझा जाए तो बहुत ही अच्छा है पिच है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों का प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 जिसमें देखा जाए कौन सा बैट्समैन ओपनिंग करने के लिए आएंगे विकेट कीपर और बॉलर के रूप में है। बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर का प्लेइंग 11 में, तो जिसमें देखा जाएगा कि कप्तान मैथ्यू शॉर्ट ओपनिंग करने के लिए आएंगे डी आर चिशार्ट के साथ। उसके बाद क्रिस लिन आएंगे, फिर जे वेदरलैंड, एडम हुड, जे ओवरटर्न, जे बेजली। उनके विकेट कीपर जो है एच नेल्सन जो है बहुत नीचे बैटिंग करने जाते हैं 8वें क्रम पे, तो मेरे ख्याल से जो भी ड्रीम टीम बनाया जाएगा उसमें एच नेल्सन को इग्नोर किया जाएगा। फिर वेज अगर हो सकता है कि आज खेले डी पेने, सी बॉयस, बी डॉट और बी मेनाती, ये 13 प्लेयर का है जो लेकिन ऊपर से जो 11 प्लेयर है वही वो प्लेयर खेल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स का प्लेइंग 11 के बारे में। सिडनी सिक्सर्स का देखा जाएगा तो जे फिलिप्स विकेट कीपर, जे विंस के साथ ओपनिंग करने के लेंगे, डी ह्यूज, एम मैजिक हेंड्रिक्स कैप्टन, जॉर्डन सिल्स, जे एडवर्ड्स, सी नेबॉट, बी डार्सिस, जे बर्ड, टी मर्फी, एस कॉफे, ये प्लेइंग 11 रहेंगे। दो एम पेरी, एच केयर, हो सकता है कि आज हो सकता है कि एच केयर को मौका मिले ऊपर से किसी एक प्लेयर को हटाकर, जे एडवर्ड्स वगैरह को हटाकर। देखते हैं जो प्लेइंग 11 होगा उसमें हम लोग को चूज करना है। अब हम लोग बात करते हैं ड्रीम 11 मिनट वाइज जाते हैं तो विकेट कीपर में देखा जाए तो जो फिलिप्स और एच नेल्सन रहेंगे, जिसमें से आपको एच नेल्सन को तो किसी भी टीम में नहीं रखना होगा। तो मेरे ख्याल से जितने भी टीम बनाइएगा उसमें जे फिलिप्स आपके विकेट कीपर के रूप में खेलेंगे। बैटिंग के रूप में देखा जाएगा तो जे विंसी, जॉर्डन सिल्क, डी ह्यूज एक टीम से रहेंगे, दूसरी टीम से क्रिस लिन, एडम हुड और जे वेदरलैंड रहेंगे। इस तरह से देखा जाएगा तो 6 बल्लेबाज के रूप में रहेंगे। ऑलराउंडर में देखा जाएगा तो मोजिक हेंड्रिक्स, टॉम करन आज मेरे ख्याल से नहीं खेलेंगे, जे एडवर्ड्स खेलेंगे, जे केयर खेलेंगे एक टीम से, एक दूसरे टीम से मैथ्यू शॉर्ट, डी आर टी शॉर्ट, जे ओवरटन और जे बेजली रहेंगे। बॉलिंग में सीने बॉर्ड, बी डॉर्सिस, जे बर्ड, एस कॉफे, टी मर्फी एक टीम से रहेंगे, दूसरी टीम से वेस अगर, डी पेने और सी बॉयस रहेंगे। इस तरह से देखा जाएगा तो दोनों का प्लेइंग 11 यही होने वाला है। अब इसमें से हम लोग जो ड्रीम 11 को चूज करेंगे तो उसमें से देखा जाएगा कौन सा बल्लेबाज, कौन सा ऑलराउंडर और कौन सा बॉलर को रखा जाए जो हम लोग को अच्छा खासा रकम जिता सकता है। तो सबसे पहले विकेट कीपर के रूप में आते हैं, तो विकेट कीपर के रूप में जे बर्ड, जे फिलिप्स रहेंगे ही रहेंगे। ये पिच बल्लेबाजों को मददगार ज्यादा है तो हम लोग बैटिंग में डी ह्यूज, जे वेदरलैंड रखेंगे और एक प्लेयर जो है क्रिस लिन, जे विंसी, जॉर्डन सिल्क या एडम हुड, इसमें से एक प्लेयर को रख सकते हैं। नहीं हो सकता है तो किसी और एक दो, इसमें से एक दो प्लेयर को खिला सकते हैं और बॉलर में कुछ कम कर सकते हैं। जिसमें से देखा जाएगा तभी ऑलराउंडर में देखा जाएगा तो मैथ्यू शॉर्ट, मैजिक हेनरिस और डी शॉर्ट रहेंगे रहेंगे, क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट 2-3 ओवर का गेंदबाजी भी कर लेते हैं जिससे विकेट भी मिलने का चांस है, ओपनिंग में करने के लिए बैटिंग करने के लिए आते हैं। देखा जाएगा तो मैथ्यू शॉर्ट इसमें से कैप्टन के लिए बेहतरीन भूमिका निभाएंगे। जे एडवर्ड्स ऑलराउंडर के रूप में ही खेलेंगे। एच केयर किसी किसी टीम में एच केयर को रखेंगे तो उसमें जे विंसी और जॉर्डन सिल को रख सकते हैं। मतलब मीन्स बैटिंग में दो प्लेयर को बढ़ाएंगे तो ऑलराउंडर में से एक प्लेयर को हटाएंगे। इस तरह से करके हम लोग का प्लेइंग 11 बनेगा। बी डॉर्सिस, डी पेने बॉलर के रूप में रहेंगे। तीसरा बॉलर जो होगा जैक्सन बर्ड, सेने बॉट या वेज अगर। बॉलर मेरे ख्याल से कोई भी बॉलर को 2 से 3 विकेट नहीं मिलेगा, एक एक विकेट मिलेगा, तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने का चांसेस कम है। बशर्ते कि अगर ऑलराउंडर 1 विकेट और कुछ रन मारते हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के रेस में सबसे ज्यादा रहेंगे। तो हम लोग का जब कैप्टन वाइस कैप्टन बनेगा इसमें मैथ्यू शॉर्ट, 3 से 4 टीम में मैथ्यू शॉर्ट कैप्टन बनेंगे, जे फिलिप्स वाइस कैप्टन बनेंगे, आपको मोजिक हेनरिस कैप्टन, मैथ्यू शॉर्ट वाइस कैप्टन, इस तरह से देखा जाएगा। तो जो है ऑलराउंडर में कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा ज्यादा बनाइएगा, बशर्ते बॉलर का मेरे ख्याल से थोड़ा कम रोल रहेगा। बी डॉर्सिस जो है प्रत्येक मैच में विकेट ले रहे हैं तो एक प्लेइंग 11 का हिस्सा रह सकते हैं, लेकिन किसी किसी मैच में मैं डॉर्सिस को आज के मैच में हटाना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा स्लोअर पिच हो जाएगा। तो जो स्लो बॉल डालते हैं जैसे सीन अबाउट या वेज अगर, उनको विकेट मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो इस तरह से आप जो भी है 10-12 टीम बनाकर अपना जो है ग्रैंड 11, ड्रीम 11 जीत सकते हैं। धन्यवाद।